हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आप लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम्स के लिए। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एलटी का, उसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ लोगों ने कहा कि जो तुक्का लगाने का सही तरीका है वो क्या है। ठीक है, तुक्का लगाने का सही तरीका ये है क्या? तो देखिए, पहली चीज़ तो आप लोगों को बिलीव नहीं करना है कि ये जो तुक्का है, हम तुक्के पे अपना एग्ज़ाम निकालें। कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो उसे आप तुक्के पर ना निकालें। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्ट्रेटेजी आप लोग अगर यूज़ करते हैं, या मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए हैं तो कुछ स्ट्रेटेजीज जो हैं मैं यूज़ करता हूं, और अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोगों को यूज़ कर लेनी है। कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से आप लोगों को बचना है। जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम का टाइम हो तो आपको एक तो अपना जो स्लीप है, ठीक है, अपनी जो पर्याप्त नींद है वो ले लेनी है। उसका रीज़न मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ और एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों का जो डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, जब हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तो अगर हम थके हुए हैं, अगर हमारा ब्रेन थका हुआ है, तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता है। तो हमें अगर प्रॉपर तरीके से कहीं पर कोई मिशन पे जाना है, किसी मिशन को करना है, तो वहाँ पर हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा, आपकी जो रीजनिंग होगी, ठीक है, रीजनिंग आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन थका होगा, उतनी ज़्यादा आप लोगों का रीजनिंग क्या होगा, उतना कम हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को अच्छी नींद ले लेनी है, बढ़िया से। आप लोगों के पास कम से कम 6 से 7 घंटे की आप अच्छे से नींद लीजिए। उसके बाद अपने एग्जाम सेंटर के लिए तैयारी कीजिए। एग्जाम सेंटर की तैयारी में आप लोगों को सारी चीज़ें, कम से कम जो पेंस हैं आपकी, ठीक है, पेंस आपको 2 से 4 पेंस आप लोगों को रखनी, कम से कम 4 पेन तो आपने आपके पास होनी चाहिए, और चारों जो हैं वो अलग अलग कंपनीज की होनी चाहिए। इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप एक ही कंपनी की 4 पेन रखते हैं, तो कई बार होता यह है कि जो हमारा एटमोसफेयर का प्रेशर होता है, वो क्या करता है कि हर पेन का अलग अलग होता है। तो अगर एक पेन खराब होगी, एटमॉस्फेयर जैसे कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, पिघल जाती चीज़ें या हो जाती है, तो वो पेन क्या होंगी, चारों के चारों एक साथ खराब हो जाएंगी। अलग अलग कंपनी की होंगी तो उनका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए उनमें से चलिए एक खराब होगा, दूसरा खराब होगा, तीसरा चौथा काम आएगा आपके। तो मैं हमेशा ये करता था, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था 2014 में, जब एग्जाम के लिए गया था मैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का था कोई, तो उसमें यही हुआ था कि मेरे पास जो रेनॉल्ट पेन थी, मुझे रेनॉल्ट बहुत पसंद थी, तो मैंने क्या किया कि वो 4 पेन रख ली थी और चारों एक साथ ही खराब हो गई थी। वो होपफुली कि मदद कर दी किसी ने, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर किसी दूसरे के पास भी ऐसा होना। हमारा एक एक मिनट वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ नींद पूरी लीजिए, दूसरी चीज़ है कि अपने जो पेन्स हैं उनको ठीक ठाक रखिए। मीन्स कहने का यह है कि आपको उसे कम से कम अलग अलग कंपनीज की रख लेनी है। तुक्के पर हम बात करेंगे कि तुक्का अगर आपको लगाना ही है तो किस तरह से आप तुक्का लगाएंगे। तो चलिए इसे क्लीन करते हैं और फिर बात करते हैं कि जो तुक्का है वो एक्चुअल में आप लोगों को लगाना, आप साइंटिफिकली बात करें कि आप श्योरिटी। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि कितने क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 करने हैं, कितने करने हैं। तो सीधा सा आपका आंसर है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आने, एटलीस्ट आपको, अगर आप मान के चले तो 99% क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं, 100 by 100 आपको पूरे अटैम्प्ट करके आने। ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब भी आप क्योंकि क्या होता है, 1/4 आप लोगों का डिडक्ट होता है मार्क्स, तो अगर आप 4 तुक्के लगाते हैं उसमें से एक कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सही निकल जाता है। अगर आप 20 तुक्के भी मारेंगे तो उनमें से अगर 4-5 भी सही निकल गए तो आपका वो बराबर हो जाता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ सही निकल गए, ज़्यादा निकल गए, तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाता है। इसका उल्टा आप एक बार एक ये सोच के चलिए कि इनकेस आपने 60 ही क्वेश्चन किए हैं, अब 60 में से कितने सही होंगे। 60 में से सपोज कीजिए चलो आपके 60 भी सही हो गए, ठीक है, 60 में 60 ही सही हो गए। वैसे ऐसा होता नहीं है, यूजुअली उसमें से आप लोग आपके 10 तो कम से कम नहीं होंगे सही, तो आप वैसे 50 पे आ जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं एक बार के लिए
कि 60 क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल सही हो गए। होगा क्या कि 60 क्वेश्चन में भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आप लोगों को क्या करना है कि 100 ही करने हैं। 100 में से चलो कितने गलत होंगे, अगर 25 भी गलत होते हैं, चलिए 30 भी गलत होते हैं, तब भी हम क्या होते हैं 70 के अराउंड पहुंच जाते हैं। तो जो तुक्का है या अटेम्प्ट का है, अटेम्प्ट का रेशियो हमेशा आप लोगों को ज़्यादा रखना है, हमेशा वो आप लोगों को फायदेमंद ही होगा। बहुत सारे लोग नहीं करके आते या उस टाइम माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है या गलत हो जाएंगे, ज़्यादा गलत हो सकते हैं, ज़्यादा गलत होंगे माइनस में आ जाएंगे। अगर ज़्यादा गलत होकर आपने माइनस में आना है तो ये मान के चलिए कि कम करके भी आपने माइनस में ही रहना है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या कर लेने, अटेम्प्ट करके आने। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से ये समझ लीजिए, थोड़ा सा आधा अधूरा देखेंगे तो शायद आप लोगों को ये लगेगा कि कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनकेस आपको आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, अब आप क्या करेंगे कि 60 अगर आपने तैयारी की है तो मेरा मानना ये होता है कि 60 आप सही करके आएंगे, मतलब 60 आपका सही हो ही जाएगा। अगर बहुत अच्छी तैयारी होगी तो 70 पे पहुंच सकते हैं, बाकी आप लोगों को तुक्का लगाना है। तो अब क्या करना है, आपको ब्रेन के अपनी हेल्प लेनी है, जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसकी हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। उसको चैलेंज नहीं करना, सबकॉन्शियस ब्रेन को चैलेंज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला सही है, फर्स्ट देखने में सही लगता है कि हाँ ये सही है, उसी को मार के आइए। अगर आपका ब्रेन आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ ये चीज़ है, उसे आप सही मान के चलिए। लेकिन इसमें एक एक दो चीज़ें रखनी है कि जब आपका 60 आप लोगों ने सही कर लिए, मान लिए तो सही कर लिए, उसके बाद आपके पास 40 जो है, उन 40 को आपको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि एक होता है 50% रूल, आपको चार ऑप्शन है, चार में से आप लोगों को दो सही आते हैं लेकिन दो नहीं आते हैं। 100% आप लोगों का यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेन और काम करना है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। हमें ये दो को एलिमिनेट करने के बाद जो दो बचते हैं उस पर हमें क्या कर लेना है, तुक्का मार लेना है। फिर आता है 25% का रूल। 25% में आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों को तीन गलत लगेंगे, मीन्स आपको उसमें से एक ही आता है, 100% उसमें तुक्का मार के आइए। लेकिन थोड़ा सा उसमें इसमें आप लोगों को थोड़ा सा विचार विमर्श मतलब अपने आप से करना है वहाँ पे, और ब्रेन को रीजनिंग का तरीका अपनाना है वहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें देखनी है। अगर वो क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है तो आप लोगों को देख लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ यहाँ से मैच हो सकती है जो आपने पढ़ा है उससे। अब अगर 25% का केस है तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें क्या करना है, टाइम देना है, सॉरी वहाँ पे आपको टाइम कम देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है कि एक जहाँ पे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, जैसे 5% 10% का आपको लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें नहीं सोचना है। सबसे ज़्यादा आपको किस में टाइम देना है, जहाँ पे आपका 50% का रूल लग रहा है, ठीक है। 25% वाले पे थोड़ा कम ध्यान देना है, मतलब कम टाइम देना है तो सीधे, और जहाँ पे आप लोगों का ब्लाइंड वाला है, मतलब आप लोगों ने वो कभी नहीं पढ़ा है लेकिन आपको लगता है कि अब ये ब्लाइंड ही हो गया, तो आप लोगों को उसे बिना सोचे आप उस क्वेश्चन को तुक्का मार दीजिए। सपोज कीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल ब्लाइंड थे आपके, आपने उसमें बिना टाइम लगाए उसमें क्या कर दिया है, तुक्के मार दिए हैं, ठीक है, पूरे तुक्के मार दिए आपने। तो होगा क्या कि वो टाइम बच जाएगा का, जो टाइम था ना आपका 10 क्वेश्चन को करने का, वो आप कहाँ देंगे जो 50% वाला था। अब सॉरी इसमें होगा क्या कि जब आप ये एनालाइज कर रहे होंगे, थोड़ा सा और एक बार बता देता हूँ आपको, शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा ये 50% वाले में, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको अपोजिट चलना है, मतलब जहाँ पे आपका 50% आप लोग क्लियर हैं कि यही वाला है, यहाँ पे आपको टाइम सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे देना है क्वेश्चन को। 25% वाले को थोड़ा सा कम टाइम देंगे, लेकिन एक आएगा आपका बिल्कुल ब्लाइंड वाला, इसमें आपको बिल्कुल क्या कर लेना है, बिल्कुल तुक्का मार के आ जाना है, फटाफट इस 10 को कर लेना है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये 50% 25% और ब्लाइंड वाले हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक बार पूरा पेपर में क्वेश्चन कर लेने हैं। अब मैं अगर पर्सनल आपको सजेशन दूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब एग्जाम होता है सॉरी मेरा अपना एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे वहाँ पे एग्जाम करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि टिक तो हम कर नहीं सकते, जो पेपर होता है उसमें हम टिक नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक बिल्कुल पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट लगाना है, लेकिन इसे सेम जगह पे लगाइए, अलग अलग जगह पे मत लगाना। जैसे
ऑप्शंस होते हैं ना, ए बी सी डी, तो मैं, मेरा क्या रहता है कि मैं क्या करता हूँ कि इसके बगल में यहाँ पर बस एक पॉइंट लगाता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बी आंसर है, एक बार मैं पूरे 100 क्वेश्चंस रीड कर लेता हूँ, फटाफट चलता जाऊंगा, 100 क्वेश्चंस रीड कर दूंगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल 100% वाले हैं मेरे, श्योर हूँ मैं, वो मुझे कॉन्फिडेंस भी दे देते थे कि हाँ ये मेरा सही हो गया है। तो फटाफट आपको करते चलना है, जहाँ पे आप श्योर है वहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाते चलेंगे, लेकिन पॉइंट इतना होना चाहिए कि बस आपको ही दिखे, बस दुनिया वालों को नहीं दिखना चाहिए। पॉइंट लगाते हुए चलेंगे आप, और एक ही जगह पे लगाएंगे, मतलब ये प्लेस अगर आपने डिसाइड किया इस साइड का, तो आप यहीं पे लगाइए, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा आपको बाद में बार बार। अगर ये वाला डिसाइड किया तो ये वाला कर सकते हैं। एक और होता है उसके अंदर, जैसे ए के अंदर आप पॉइंट लगा रहे हैं, तो आप अंदर लगा सकते हैं पॉइंट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब जो भी आपका सिलेक्शन होगा, डी डी आपका होगा तो इसके अंदर लगाइए, सी होगा तो इसके अंदर लगाइए, ए होगा तो इस तरह अंदर, और बी होगा तो बी के अंदर, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं ए बी सी डी के अंदर। अब जो आपके बिल्कुल सही वाले हो गए हैं 60, वो तो आप निकाल लेंगे कि अच्छा ये वाले बिल्कुल सही है। अब जो 50% वाले हैं उन पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और जो आपके बिल्कुल ब्लाइंड वाले हैं, ब्लाइंड वालों पे लगाइए मत, क्या मत कीजिए, ब्लाइंड वाले, जो ब्लाइंड वाले हैं आपके, उनको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको सीधे उनको लास्ट वाले पॉइंट के लिए रखना है, कि आप क्या करेंगे, पहले इनको आपने 60 वाले बिल्कुल सही वाले कर लिए, 50% वाले भी कर लिए आप लोगों ने, अब उसके बाद में जो दो बचे हुए हैं उनको आप ब्लाइंड तुक्का मारना, आपको तो ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है आपको, उसमें फटाफट हो जाएगा। ये आप लोगों का तुक्का लगाने का साइंटिफिक तरीका है, इसी तरह से आपको चलना है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं है कि ब्लाइंड तुक्के लगा रहे हैं, एग्जाम को पूरा एनालाइज करके आप कर रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला होता है वो आपको कॉन्फिडेंस भी दे देता है। अब तीसरी चीज ये भी है कि कई लोग जाते हैं, दूर से जाते हैं, और पहली चीज मैंने कहा आप लोगों को कि नींद, आप लोगों के पास में अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छी नींद लेके जाइए। और फिर आता है कि वाटर इंटेक, ठीक है, एक तो आपका जो स्लीप है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो वाटर इंटेक आप क्या कर लेंगे कि मॉर्निंग में थोड़ा सा वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 बजे के बाद से वाटर इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि यहाँ पर आप डिस्टर्बेंस ना हो, एग्जाम हॉल में आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। खाने में जो भी है आप लोग ध्यान ही रखिएगा कि थोड़ा बहुत खाना जरूर खा लीजिए, क्योंकि अगर कई बार ये होता है कि हम एग्जाम रूम में होते हैं और फिर हमें भूख लगनी शुरू होती है, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है उसका सपोर्ट सिस्टम तैयार करके चलना है। अगर हमारा ब्रेन थका रहता है तो उसकी रीजनिंग जीरो हो जाती है या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी है तभी हम अपना जो आंसर्स है, जैसे कि कई बार ये होता है कि कई लोगों के साथ में ये मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि हमारा जब हम एग्जाम में जाते हैं हमें आता बहुत है लेकिन हमारा क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। उसका रीजन यही है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, तो उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो उतना अच्छा रीजनिंग नहीं दे पाता है, वो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश है। देखिए रिलैक्स होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और रिलैक्स हो नहीं पाता है आदमी, क्योंकि इतना बड़ा मतलब एक तरह से ना एग्जाम है, करियर डिपेंड करता है, तो रिलैक्स नहीं हो पाता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि बॉडी कम से कम फिजिकली, अगर हम मेंटली रिलैक्स नहीं भी हो पा रहे, फिजिकली चीज़ों चीज़ें हमें परेशान ना करें, कि ब्रेन का एक सपोर्ट सिस्टम हम तैयार करते हुए चलें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को किताबें पढ़नी है, लास्ट मोमेंट तक किताबें पढ़नी है, तो किताब पढ़ने की जगह आप कार्ड्स जो आप लोगों ने बनाए होंगे वो कार्ड्स आप अपने साथ लेके जाइए। वो कार्ड्स अगर आप लोगों पे 300 400 कार्ड्स भी हैं तो भी आप इजीली 1 घंटे में 300 400 कार्ड्स को रिवीजन कर लेंगे, लेकिन अगर आप बुक लेके जाएंगे तो बुक आपको टेंशन देगी, ये 100% है। इसलिए मैं कहता था कि आप लोगों को कार्ड्स तैयार करना है। तो होपफुली कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों को हेल्प करेंगी, आपके एग्जाम में सपोर्ट करेंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो आप लोग ज़रूर बताइएगा कल, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, कितनी हेल्प हो पाई, और फिर से शुभकामनाएं। लास्ट में मिलते हैं कल शाम को।